नमस्कार दोस्तों, डिस्क बल्ज यानी कि डिस्क हर्निया के चार स्टेजेस होते हैं और आज के स्टूडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको भी डिस्क बल्ज की वजह से अगर आपको सीआरटी की प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो से बहुत मदद मिलेगा कि आपका कौन सा स्टेज में है और आप उसी के अनुसार आप अपना एक्सरसाइजेस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्क बल्ज के चार स्टेजेस होते हैं। ये है डिस्क बल्जिंग, दूसरा है डिस्क प्रोट्रूजन, तीसरा है डिस्क एक्सट्रूजन और फोर्थ है डिस्क सेक्वेस्ट्रेशन। तो ये सब क्या क्या है, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ये वाइट बोर्ड है। तो सबसे पहला जो है डिस्क बल्जिंग, ठीक है, इसमें क्या कि हम लोग का जो डिस्क है, ये डिस्क है, इसके अंदर में एक जेली लाइक मटेरियल होता है। ये देखिए, ये जेली लाइक बहुत ही नरम मटेरियल होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक लेयर्स होता है, कई सारे लेयर्स ऑफ कवरिंग होता है जो इस सॉफ्ट मटेरियल को लीक होने से बचाता है या फिर इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसको कहते हैं फाइब्रस एन्यूलस, ठीक है। तो ये जो सेफ सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल को न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं और बाहर का जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ा सा हार्ड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको कहते हैं फाइब्रस एन्यूलस, ठीक है। थोड़ा सा एनाटोमी अगर समझ जाएंगे तो ये डिस्क बल्जिंग क्या होता है या फिर आगे का जो भी स्टेजेस है आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये डिस्क हमारे वर्टिब्रल बॉडी, हमारे स्पाइन का जो बोन होता है उसको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक एक डिस्क होता है। ये देखिए, ये एक डिस्क हो गया, ये एक डिस्क हो गया। उसी तरह से अगर आपको L4 L5 में प्रॉब्लम है तो L4 L5 के बीच में जो डिस्क होता है वहाँ पे आपका डिस्क बल्ज या फिर डिस्क प्रोलैप्स का शिकायत बना हुआ है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी, हमारे स्पाइन में बहुत सारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो कि एक शॉक एब्जर्वर का काम करता है। यानी कि जब हम देखिए, जब हम बेंड कर रहे हैं, झुक रहे हैं या फिर ट्विस्ट हो रहे हैं, कितना बिना कोई प्रॉब्लम के हम कितना स्मूथली ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जंप करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो ये इसी की वजह से होता है कि ये जो है डिस्क जो है नरम सा एक डिस्क है जो कि शॉक एब्जर्वर का काम करता है और जो भी ट्विस्टिंग एक्टिविटी हमारा बॉडी का, शरीर का, हमारे ट्रंक का ट्विस्टिंग एक्टिविटी या फिर जंपिंग एक्टिविटी को वो स्मूथ करने में हेल्प करता है। तो नॉर्मल डिस्क का शेप इस तरह से होता है। लेकिन डिस्क बल्ज में क्या होता है, ये जो फर्स्ट स्टेज में डिस्क बल्जिंग में ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये थोड़ा सा इसे पुश कर देता है, ये थोड़ा सा ये बाहर की तरफ आ जाता है। ये देखिए, ये बाहर की तरफ आया, ठीक है। और इसके चारों तरफ लेकिन जो कवरिंग है वो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ये इसको कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ से जो भी नसें गुजर रही है उस अगर हमारे कमर में अगर डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम हो गया तो कमर का नस को वो दबाएगा, अगर हमारे सर्वाइकल एरिया में हुआ है तो सर्वाइकल एरिया का नर्व को दबाएगा और हमें झंझनाहट सा महसूस होगा। तो फर्स्ट स्टेज बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होता है, इसमें आपको आमतौर पर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। जब आप चलेंगे या फिर लंबे समय तक आप बैठे हुए हैं तो ही आपको कमर में दर्द के साथ साथ आपके पैर में भी झंझनाहट सा महसूस होगा। चलते समय, दौड़ते समय आप बहुत अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, लेकिन इससे आपका काम रुकेगा नहीं, आप एक तरह से बेड रिडन आप नहीं होंगे। तो ये था डिस्क बल्जिंग। अब जो दूसरा स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन। इसमें देखिए, डिस्क का में ये देखिए, ये नॉर्मल डिस्क है, ठीक है। इसके अंदर में न्यूक्लियस पल्पसस है। डिस्क प्रोट्रूजन में क्या होगा कि ये हल्का सा ये बाहर ऐसा बल्ज हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पल्पसस है, वो इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस पल्पसस है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने की बात है कि ये अभी भी ये फाइब्रस एन्यूलस के अंदर में ही है, ये इससे बाहर नहीं निकला है, ठीक है। ये इसमें बाहर नहीं निकला है, ये अभी भी
डिस्क एनुलस पल्पसस के अंदर में, उसका जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर निकल के ये यहाँ से जो जो भी नसें गुजर रही है उसको वो कंप्रेस कर रहा है। तो इस प्रकार का कंडीशन में सेकेंड स्टेज में आपको आपको लेट जब आप सोए हुए हैं, सो के उठते समय आपको दर्द होगा, आपको बैठे हुए हैं तो भी दर्द होगा, आप जब आप स्कूटी चला रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेढ़ा होके बैठे हैं, गाड़ी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा होके बैठे ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल मिले, ये सब परेशानी आपको होगा, आपको चलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपका जो नॉर्मल डेली रूटीन है उसमें बहुत हैम्पर करेगा ये जो स्टेज है। तो ये जो पहला और सेकंड स्टेज को हम आसानी से एक्सरसाइजेस के द्वारा हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में मैंने एक्सरसाइजेस बताया, अगर आपको लंबर एरिया में इस प्रकार का शिकायत है तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आ जाके आप देख सकते हैं। अगर सर्वाइकल एरिया में भी हुआ है तो भी उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क एक्सट्रूजन, ठीक है, एक्सट्रूजन मतलब कि बाहर निकल जाना, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये हो गया हमारा डिस्क और ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस पल्पसस। डिस्क प्रोट्रूजन में क्या था कि अब तक वो आउटर कवरिंग के अंदर में ही था, ठीक है, आउटर कवरिंग के अंदर में ही था, यानी कि फाइब्रस एनुलस के अंदर में ही था। लेकिन डिस्क एक्सट्रूजन में क्या है कि यह इसे ब्रेक करता है ये आउटर लेयर को और जो न्यूक्लियस पल्पसस है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीवियर कंडीशन है, यहाँ से जो भी नसें गुजर रही है उसको वो ये कंप्रेस करता है और बहुत ही तेज दर्द आपको महसूस होता है। ये इतना सीवियर कंडीशन है कि इसमें मरीज बेड रिडन तक हो सकता है अगर कमर में हो गया है, और उसमें उठना बैठना, इवन आप हल्का सा भी करवट बदलने की कोशिश करेंगे सोते हुए तो भी आपको एक अचानक से दर्द होगा, एक असहनीय दर्द होगा, जो पैरों में खिंचाव झंझनाहट सा महसूस होगा। और इस कंडीशन में बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, बेड रेस्ट से हो सकता है कि धीरे 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 आपका जो अंदर में जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो और धीरे धीरे ये स्टेज 3 से ये स्टेज 2 में वापस आए, फिर वो धीरे धीरे हो सकता है वो हील हो जाए। मगर ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, इस समय में बहुत ही सावधानी का ज़रूरत है, आपको लंबर बेल्ट पहनना चाहिए ताकि आपका कमर को, डिस्क को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। और ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हो सकता है आपको सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ सके या फिर आप एक्सरसाइज के द्वारा भी आप ठीक हो सकते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के। तो ये सीवियर कंडीशन में आपको क्या एक्सरसाइज करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे एक्सरसाइज से, क्या प्रिकॉशन लेना है इसके पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप देखिएगा। उसके बाद जो फोर्थ जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। ये फ्रेंड सबसे सीवियर कंडीशन है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको सर्जरी के द्वारा ही इसका इलाज संभव है, और सर्जरी से अच्छा सर्जरी से भी कई बार बहुत अच्छा रिकवरी होता है, आप इससे घबराएं नहीं। और एक्सरसाइजेस इसमें लेकिन बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन में होता है क्या है कि ये देखिए, ये हो गया डिस्क, जो डिस्क एक्सट्रूजन जो हमारा पिछले वाला जो स्टेज है थर्ड स्टेज में, न्यूक्लियस पल्पसस इस तरह से बाहर आ गया था, ठीक है। लेकिन डिस्क फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि ये इससे डिटैच हो जाता है, ठीक है, ये जो बाहर निकला वाला हिस्सा है ये इससे डिटैच हो जाता है और हो सकता है वो डिटैच होकर के हमारा जो स्पाइनल कैनाल है उसमें जाकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ से जो भी नसें गुजर रही है उसमें बहुत सीवियरली कंप्रेशन पैदा करता है। तो बेड रिडन के साथ साथ इसमें पैरालिस होने का भी चांस रहता है। तो अगर ये स्टेज है तो आपके सर्जन, आपके न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो आपको सजेस्ट किए ही होंगे कि आप इस टाइप के इस स्टेज में सर्जरी कराना ज़रूरी है, तो उसी अनुसार आप डिसीज़न लें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें, मैं कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।
और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।